बोहर तो हैरान करने वाला मामला आया सामने। ईटीटी दे विद्यार्थी ने लिया फाहा। पिंड दी टैंकी ते लटक दी मिली लाश। बेरोजगारी आर्थिक तंगी भी कही जा सकती है, पर अजिहे दे विच एक नौजवान दे द्वारा फाहा लेके अपनी जिंदगी खत्म कर ली गई है। मामला सामने आ रहा है अबोहर तो, जिथे देखिए अमरपुरा दे विच एक नौजवान महज 23 साल उम्र दसी जाती है, ईटीटी का विद्यार्थी है। जो मृतक नौजवान और नाल दी नाल ये गल भी सामने आ रही है कि इस नौजवान दे द्वारा घर दे विच आर्थिक तंगी तो परेशान होके एक खौफनाक कदम चुकया गया। जानकारी मिलती है कि टैंकी ते फाहा लगा के इस नौजवान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। अबोहर तो यह मामला सामने आया। अबोहर दे पिंड अमरपुरा दे वसनीक ईटीटी दे विद्यार्थी सुरेंद्र दे द्वारा जिहड़ी है इस तरह की जिहड़ी है हरकत कीती गई है कि अपनी पूरी जिंदगी ही हुण खत्म कर ली गई है। परिवारक मैंबरां दा इस वेले रोंदे बिलकदियां दा बुरा हाल है, क्योंकि इस विद्यार्थी दे द्वारा आर्थिक तंगी तो परेशान होके बीती रात नूं फाहा लै लिया गया सीगा, जिस तों बाद सवेर नूं इस गल दी पुष्टि हुंदी है कि नौजवान दी जिहड़ी है मौत हो चुकी है। थाणा बहावाला पुलिस दे वल्लों मृतक दी लाश नूं पोस्टमार्टम तों बाद हस्पताल दे मुर्दा घर दे विच रख्या गया है। दस्सिया जांदा है कि मृतक दीआं चार भैणां ते इक वड्डा भरा वी है। जानकारी मुताबिक सुरिंदर जिसकी महज उम्र 23 साल दसी जाती है, परिवारिक मैंबरां दे द्वारा जानकारी दी गई है कि सुरिंदर जिहड़ा ईटीटी करन दे नाल नाल डेंटिक पेंटिंग दी दुकान दे विच काम भी करता सी आते पढ़ाई दी फीस भर सके इसदे लई जिहड़ा है उसदे वल्लों काम कीता जा रहा सीगा। पिछले कुछ समय तो आर्थिक तंगी दा सामना कर रहा सीगा। बीते कल शाम 6 बजे दे करीब उसदे वल्लों अपने मोबाइल ते एक स्टेटस भी पाया जांदा कि ओह परेशान है ते हुण इस दुनिया च नहीं रहना चाहुंदा। इस तों बाद ओह रात दा खाणा खा के घरों चला जांदा, वापस नहीं परतदा। सवेरे पिंड दे वाटर वर्क्स दे कर्मचारियां दे द्वारा इस गल दी पुष्टि हुंदी है कि वाटर वर्क्स दी टैंकी दे उत्ते एक नौजवान दी लाश लटकदी होई दिखाई दित्ती है। जदों पिंड वासियां नूं इस गल दी सूचना मिलदी है, जांच पड़ताल कीती जांदी है, तां पुलिस दे वल्लों मौके ते पहुंच के इस गल दी पड़ताल कीती जांदी है कि जिस नौजवान दी लाश इत्थे लटकदी मिली है ओह 23 सालां दा सुरेंद्र है, जो कि ईटीटी दे विद्यार्थी दस्सिया जांदा है, और इस खौफनाक कदम नूं उसदे वल्लों चुक्या गया। दस्सिए कि इह इस मौत दे पिछे आर्थिक तंगी ही है या फिर कोई होर कारण भी है। इस इन्हां सारे तत्थां दा पुलिस जिहड़ी है जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस दे वल्लों पोस्टमार्टम तों बाद लाश जिहड़ी है मुर्दा घर दे विच रखी गई है। पूरी जांच पड़ताल तों बाद पुलिस जिहड़ी है इस मामले दी शिनाख्त कर रही है कि आखिरकार आर्थिक तंगी तों इलावा कोई होर मानसिक परेशानी तां इस नौजवान नूं नहीं सी जो उसदे वल्लों एक खौफनाक कदम चुक्या गया।